सबसे भारी, हैवीएस्ट और सबसे हल्की, लाइटेस्ट चीजों को पहचानना। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा भारी और हल्की चीजों की पहचान करना। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचानना। आज छोटू को पौधों में पानी डालना है। पौधों को पानी देने के लिए छोटू बाल्टी में पानी भर रहा है। छोटू अब बाल्टी उठाना चाहता है, पर छोटू से बाल्टी नहीं उठ रही। यह बाल्टी तो उठ ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं? पिंकी से पूछता हूं। पिंकी, मुझसे पानी की बाल्टी नहीं उठ रही है, अब मैं पौधों को पानी कैसे दूं? छोटू, पानी की बाल्टी भारी है, तुमसे नहीं उठेगी। तुम जग में पानी लेकर जाओ। ठीक है पिंकी। छोटू इस बार जग भरता है और पौधों को पानी देने के लिए जाता है। छोटू ने पानी से भरा जग उठा तो लिया, पर थोड़ी ही दूर जाकर जग उसके हाथ से गिर गया। अरे छोटू, क्या हुआ? मम्मी, मुझे पौधों को पानी देना है, पर ये जग तो मुझसे गिर गया। छोटू, ये पानी का जग तो तुम्हारे लिए भारी है। एक काम करो, तुम मग में पानी भर कर ले जाओ। ठीक है मम्मी। छोटू इस बार मग में पानी भर कर ले जाता है। अब वो पौधों को पानी दे देता है। इस तरह छोटू सारे पौधों को पानी दे देता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे भारी चीज क्या है? जी हाँ, पानी की बाल्टी इनमें सबसे भारी है। और इनमें सबसे हल्की चीज क्या है? आपने सही सोचा बच्चों, पानी का मग इनमें सबसे हल्का है। यहाँ कुछ चीजें रखी हैं, एक रुमाल, एक चादर और एक गद्दा। बच्चों, क्या बता सकते हैं इन तीन चीजों में से क्या सबसे भारी है और क्या सबसे हल्का है? जी हाँ, गद्दा सबसे भारी है और रुमाल सबसे हल्का है। आपका भी उत्तर यही था ना बच्चों? लगता है आप सबसे हल्की और सबसे भारी चीजों को पहचानना सीख गए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचानना। अगली वीडियो में हम देखेंगे भारी, हैवी और हल्की। लाइट चीजें पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।